सोने का चम्मच मुँह में लेकर पैदा हुई इतनी बड़ी स्टार की बेटी कैसा था बचपन बचपन अच्छा था बहुत अच्छा था और मेरी जो अम्मी थी वो बिज़ी होती थी जाहिर है तो मैं अपने नन्याल में ज़्यादा रही हूँ तो वहीं ज़्यादा बचपन था अम्मी को अखबारों में देखती थी <laughs> और मिस भी करती थी लेकिन मुझे ये बचपन से ये था कि लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं तो मैंने तो एक्ट्रेस ही बनना है तो ये मुझे बचपन से ही शौक़ हुआ था कि ये लोग इनको प्यार करते हैं मिलते हैं ऑटोग्राफ लेते हैं तो इस वजह से मेरे जहन में ये आया था कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है एक स्क्रीन पे आना तो तब से मैंने सोचा और बचपन में मैं खामोश बच्चा थी खामोश अभी भी है बोलती कम है बहुत कम मैं बड़ा सुखी हूँ <laughs> और सेट पे खामोश रहना शॉर्ट दिया एक शॉल होती थी वो लपेट के यूं बैठी हुई है कोई बात नहीं सब हंस खेल रहे हैं चुगल लगा रहे हैं तो बस ये बैठी हुई हैं यूँ देखे जा रही हैं कोई बात पूछो तो जवाब दे दिया और ख़ुद इन्होंने कोई बात नहीं करनी कुछ नहीं करना आपकी मुशाबियत सिल्वेस्टर स्टालन जैसी है और जो अदाकारी है उसमें मुनवर तरीफ झलकता है आपने ये कैसा <laughs> कॉम्बिनेशन बनाया अल्लाह जन्ना ने मोहम्मद नसार हुसैन साहब एम एन एच ये उनका कमाल है अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में अला मकाम दे मैं ये रोल कर रहा था मुझे पहला चांस था तो मैं तो पूरा इसी तरह भाई डक 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 मैं तो ये कर रहा था <laughs> उन्होंने सीन देख लिया आइडिया भी उनका था उन्होंने मुझे बुलाया उन्होंने कहा रोको रोको काका इधर आओ यार पुत्र जो तू कर रहे हैं ना ये वो जिद तेरी शक्ल मिलती है ना वो ये कर है वो बहुत अच्छा करता है असि यह नहीं करना मैं क्या जी फिर दसना मैं आ जाओ इनू टैन कर दो टैन किया टैटू बनाओ पेंट उतारो इसको शलवार पहनाओ पट्टी वट्टी उतार दो मैं क्या जी नहीं पट्टी रने दें वो पट्टी बांधता है पट्टी मेरी थी शर्ट राइटर की थी और शलवार बाबा जी ने दी और लॉन्ग शूज़ भी वो राइटर के थे वाइपर मेरा था उसको मैंने तीर कमान की तरह वो रस्सी डाल के मुझे कहते हैं वो स्वीपर जो आते हैं गंद उठाने कूड़ा तो उनको कभी सुने वो बाद को लटका के बोलते हैं आ आखिया हो गया भाजी जो चुक गंद लैने गंदी गल है कोई खर्चा पानी ला दो उन्होंने बोल के बताया हो गया अब जो वो तुम कह रहे थे ना माई नेम इज़ रैम्ब वो, वो करके दिखाओ तो मैं जाने लगा तो मुझे आवाज़ दे के कहें गल सुन काका का, मैं क्या जी कहते पुत्र जो तू कर रहा से ना तो वो इको बारी चलना सी ए हूँ जो तू करेंगे ना सारी जिंदगी तेन तो याद रखेगा तेन तो याद रहेगा पूरी दुनिया तेन तो, तो तो, तो कहाँ है वो लोग तो मेरा दिल टूटा मैं क्या कितों याद रखेगा मैनू नहीं चंगा लग रहा <laughs> लेकिन वो पौने नौ बजे ड्रामा खत्म हो जाता था दस मिनट आठ मिनट पहले पे तो नौ बजे मेरे घर के बाहर रश लगा हुआ था जब आप बैठ जाते थे जी तो आपको तो बहुत फैन मिलते होंगे मैंने इनके जो मैंने इनकी शोहरत देखी है ना वो बहुत ज़्यादा यानी जब पहली फिल्म की शूट हो रही थी ना तो इनको देखने के लिए दीवार गिर गई थी उस घर गर, उस घर की दीवार गिर गई थी इतने लोग दीवार पे चढ़ गए थे, थे।, थे।, थे, थे।, थे तो हमारा बाहर निकलना ही मुश्किल था मुंह पे कपड़ा लपेट के और इस तरह निकलना मैं एक शूटिंग पे लेट हो रहा था तो मैंने शेव नहीं की थी डेली शेव करनी पड़ती थी तो रेज़र नहीं था एक दुकान पे मेरे पास होता था ये रुमाल नहीं होता थाजियो वाला वो लेके और काली आने लगा के तो मैं उतरता था तो मैंने कहा यार एक रेज़र देना जल्दी से ना मैं मुंह नीचे ही रखता था तो उसने कहा जी इतने मैंने एक दे दो ये कितने पैसे इतने इतनी देर दे में मैं निकलने लगा तो सात बंदा कहता है जी आप रैम्बो हैं मैं क्या वो पार मर गया भाई मैंने उससे जवाब नहीं दिया मैं क्या अच्छा या, तो मुझे आवाज़ आई मैं पैसे ले रहा था या दे कि मैंने आपका पूरा गेस्ट हाउस सारी किस्तें सुनी हैं सुनी है मैंने कहा देखी है सुनी है, क्या बात फिर मैं उसको देखा मैंने कहा सुनी का क्या मतलब कहते जी मैं हाफिज हूँ मैंने आपका गेस्ट हाउस सारा सुना और मैं बड़ा इंजॉय करता था नाबीना ना थे नाबीना ना थे आप तो बहुत संजीदा मिजाज हैं कम गो हैं और रैम्बो साहब जो हैं ये बड़े रौनकी आदमी हैं हाँ। बड़ी जुगते लगाते हैं <laughs> <ने laughs> कैसे कंट्रोल करती हैं इनको कैसे मैनेज करती हैं तो ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है बिल्कुल अगर दोनों एक जैसे होते तो पागल हो जाते ना। अगर दोनों होते तो फिर भी बोर हो जाते दोनों एक तो... दूसरे को झुकते ही करते रहते मुझे मजा आया है दोनों से ना हमारे बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं भाई है छोटा भाइयों की तरह नसीम विक्की और उनकी बेगम चांदनी मैडम उनके पास अगर हम कभी जाए ना घर तो उनका मजा आता है जब वो एक दूसरे को एक से एक बढ़ के जुकत करता <laughs> दोनों मुझे ना बताया कि हम इन्होंने मुझे विक्की ने मुझे जुगत की मैंने इनको ऐसा जवाब दिया तो विक्की ने पता नहीं क्या कहा कहती है जी मैंने इससे कहा कि पता नहीं तंदूर तंदूरच इंज लगदियाँ ने तो वो उसका तंदूर के वाले साहब का काम था ना तो रोटियां तंदूर इंज लग दियाँ ने तो आगे से तो उसने जवाब दिया नहीं अल्लाह अकबर इंज लग दिया <laughs> <laughs> उनका काम था फैमिली का इसका पोल्ट्री का अच्छा पोल्ट्री का था वो हैं नहीं अल्लाह अकबर लग दिया मतलब <laughs> इस तरह की बारीक बातें वो अब मेरे सुनाने की टाइमिंग खराब हो गई है हाँ। लेकिन जब हमने सुना तो हम

और अपने काम पे ध्यान दिया है दूसरों के काम पे ध्यान नहीं दिया कि वो अच्छा कर रहा है और मैंने मुझे ये होता था कि मैंने अपना काम अच्छा करना है और मेहनत से करना है उस कैटेगरी में कभी मैं आ, मैं नहीं अपने आप को लेकर आई रैम्बो को किस हीरोइन के साथ रोमांस करते हुए देख कर जेलसी होती <laughs> <हुँ>। <laughs> नहीं वो असल में सबसे फ्रेंडशिप थी मैंने वैसे ही सबको बहन बना लिया था इनकी <laughs> <laughs> तो जुल्म तो तो। किया लेकिन वो तो नहीं समझते थे दिल से नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं हमारी जब मंगनी होगी थी उसमें कुछ हमारे सहाफ़ी दोस्त भी थे जो पता नहीं चला तीन साल हमारी मंगनी रही है मैंने मैडम से कहा जी कि मुझे यकीन दिलाए मैं मेहनत कर रहा हूँ मैं घर बना लूँगा तो उसमें हमारे एक्टरों को भी पता था दोस्तों को तो वो फिर सब कदर करते थे कि जी इनका रिश्ता है सब इसकी भी बहुत इज्जत करते थे और बाकी लड़कियां मेरी भी बड़ी इज्जत करती थीं जब साहिबा किसी और फिल्म में किसी और हीरो के साथ काम कर रही होती थी उस वक्त आपके दिन में कोई ख़दशात आते थे मुझे अच्छा नहीं लगता था कि किसी के साथ गाना या उस तरह का सीन करना मुझे ये सच मुझ उस वक्त भी अच्छा नहीं लगता था तो लेकिन काम है काम तो काम ही है लेकिन बच्चे अब हमारी फिल्में देखते हैं तो कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की कोई वो मेरे मेरा जो बड़ा बेटा है वो स्पेशली अब मेरी फिल्म में बहुत देख रहा है अब शान की सऊद की हम सब की मुझे बताता है मैंने वो भी देखी मो भी देखी इनकी भी देखी इनको कहता है आप अच्छी एक्ट्रेस नहीं थी <laughs> <laughs> बाबा अच्छे एक्टर है। अच्छा। तो कहते हैं हाँ बस ठीक थी आप वो इनकी बस देखी हैं कुछ लेकिन आपने हाल ही में दो फिल्मों में काम किया कैसा एक्सपीरियंस अच्छा रहा वो, मतलब कोई रोल इतना अहम नहीं था वो मुझे करना पड़ा कुछ दोस्तों की वजह से कैमरे के आगे और स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट और एक्टिंग की ज़रूरत है अभी हमें बहुत आगे जाना है बहुत काम करना है तो मेन जो काम है ना उस पर फोकस काम है और बाकी चीज़ों में मैंने देखा कि ज़्यादा लेविश कैमरे ले लिए सारी लाइटें ले, ले ली और एक्टर को दस किस्म का खाना आ रहा है तो अभी ये जितनी सहूलतें हैं और इसमें मेहनत कहीं कम हो गई है सहूलतों की तरफ ध्यान ज़्यादा